हेलो, वेलकम टू कैरियर पावर सोनीपत ब्रांच। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बूस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और आज की क्लास एक डाउट क्लास है, पजल की डाउट क्लास है। एक पजल का क्वेश्चन है जिसका आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। एक बच्चे को डाउट आ रहा था इसमें, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो क्यों ना आप सभी के साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए और आपको अच्छे से समझाया जाए। इसी तरीके की पजल है जो आपके एग्जाम में आती है, और ये स्क्रीनशॉट है। इसको मुझे टाइप करने में थोड़ा सा समय लग गया, तो नहीं तो इस वीडियो को मैं कल ही आपको कराता। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पजल का एक सेट करेंगे, 5 क्वेश्चन का, और बढ़िया लेवल का है। और मैं आपको बिल्कुल बारीकी से डिटेल में सिखाऊंगा। देखिए, पजल जो होती है इसको अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अटेम्प्ट करना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि इसकी शुरुआत नहीं कर पाते बच्चे, इसको पता नहीं कर पाते हैं कि इसको कहां से स्टार्ट करें। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट कर दिया आपने सही दिशा में, तो क्वेश्चन लास्ट तक आपका सही हो जाएगा, भले ही टाइम ज्यादा लग जाए। और टाइम इसलिए ज्यादा लगेगा आपका क्योंकि आपने प्रैक्टिस कम की होगी। तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, चाहे 1 घंटे में एक पजल क्यों ना हो आपसे, लेकिन 40-50 पजल इस तरीके से कीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 50 घंटे लग जाएंगे 50 पजल करने में, अगर 1 घंटे में एक पजल कर रहे हो। लेकिन 50 पजल के बाद आपका टाइम 5-5 मिनट में आ जाएगा, ठीक है, 3-3 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम तो लगता है भी चीजों को सीखने में, इसमें कोई दो राय नहीं है, टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पजल का क्वेश्चन। मैंने आगे इसको टाइप किया हुआ है, इसको यहां पर ले लेता हूं। सबसे पहले आपको देखना होता है कि थीम क्या है पजल की, कि इसके अंदर क्या वेरिएबल्स दिए गए हैं और किस तरीके से अरेंज करने के लिए कहा गया है। और आपको सारे की सारी जो स्टेटमेंट होती है वो पढ़ने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले ये देख लीजिए कौन कौन से वेरिएबल है और किस तरीके से सेट करना है, क्या कहा गया है। उसके बाद जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको धीरे धीरे प्लॉट करते हुए चलना होता है। अगर एक बार सारी स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने तो फिर आप घबरा जाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे भाई इसको। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग 2-3 लाइन में इसकी थीम दी होती है कि किस तरीके की पजल है, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, सिर्फ वो पढ़ना होता है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि 7 पर्सन है, PQRST UV, जो डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं और उनके पास 1 से लेकर 7 नंबर तक की चाबी है। और आपको यहां पर ये बताना है कि कौन सा पर्सन किस कंपनी में काम करता है और किसके पास किस नंबर की चाबी है, वो कैसे पता करेंगे आप। इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस दिए गए हैं, उनके हिसाब से प्लॉटिंग करके आप पता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए पर्सन दिए गए हैं, कंपनीज के नाम दिए गए हैं और चाबियों के नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले किस किस वेरिएबल को एक फिक्स वेरिएबल लेकर चलेंगे आप? तो हमेशा आप कंपनी के नाम को एक फिक्स वेरिएबल लेकर चलिए और उनके हिसाब से पर्सन को बिठाते चलिए। ठीक है, आप यहां पर पर्सन को भी फिक्स वेरिएबल ले सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इजी किससे रहेगा? कंपनी के नाम से रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंपनीज के नाम लिखने होंगे। तो कंपनी के नाम लिखते हैं सबसे पहले, कौन सी कंपनी? PFC है, PFC। उसके बाद जिल है, उसके बाद TCS है, CIFL, लिनोवो, सैमसंग और HSCL। 7 कंपनी के नाम है। इसके बाद किसका नंबर आएगा? आप पर्सन लिख सकते हैं या कीज के नंबर लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर सेकंड नंबर पर लिखूंगा कीज के नंबर और थर्ड नंबर पर रखूंगा पर्सन के नाम। और इस तरीके से आप एक छोटी सी टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन आपको आपके एग्जाम में टेबल नहीं बनानी है, टेबल बनाने से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि टेबल बनाने में समय लगता है और समय आपके पास बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड होता है एग्जाम में। तो यहां पर तो मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके की टेबल बना रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो बनाते टाइम यहां पर स्पेस की भी कमी हो जाती है, तो थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज करके चलेंगे। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहां पर, पर्सन हु वर्क्स इन PFC हैज अ ट्वाइस नंबर ऑफ की देन क्यू। इसमें कहा गया है PFC में काम करने वाले के पास क्योंकि दुगनी नंबर की चाबी है, क्योंकि दुगने नंबर की चाबी है। किसके पास है? PFC में काम करने वाले के पास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर क्यू के पास एक नंबर की, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, क्यू और PFC। ठीक है, क्यू
क्यू के पास एक नंबर की चाबी है तो पीएफसी में काम करने वाले के पास दो नंबर की चाबी है, अगर क्यू के पास दो नंबर की चाबी है तो पीएफसी में काम करने वाले के पास चार नंबर की चाबी है, और यहां पर अगर क्यू के पास तीन नंबर की चाबी है तो पीएफसी में काम करने वाले के पास छह नंबर की चाबी होगी। क्या क्यू के पास चार नंबर की चाबी हो सकती है? सोच के बताइए, नहीं हो सकती, क्योंकि पीएफसी में काम करने वाले के पास फिर आठ नंबर की चाबी होनी चाहिए और चाबियों की संख्या एक से लेकर सात के बीच में है, तो इन तीन नंबर में से कोई एक नंबर हो सकता है। फिर लास्ट में कहा गया है कि क्यू डजंट हैव वन नंबर की, क्यू के पास एक नंबर की चाबी नहीं है, क्यू के पास एक नंबर की चाबी नहीं है तो पीएफसी में काम करने वाले के पास भी दो नंबर की चाबी नहीं होगी, यानी कि पहली कंडीशन तो गलत होगी। फिर अभी हम इसकी प्लॉटिंग नहीं कर सकते, अगला सेंटेंस पढ़ना होगा हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर्सन हु वर्क इन जिल, पर्सन हु वर्क इन जिल हैज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बट नोट द लोवेस्ट। जिल में काम करने वाले के पास, जिल में काम करने वाले के पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की है, तो एक से लेकर सात तक के बीच में, एक से लेकर सात तक के बीच में कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? एक है, एक का ही स्क्वायर, ठीक है, लेकिन क्या कहा गया है लोएस्ट नंबर की नहीं होगी। क्या दो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। तीन कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। चार, हाँ चार परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दो का स्क्वायर कितना होता है? चार होता है। पांच किसी का नहीं है, छह किसी का नहीं, सात किसी का नहीं है, तो जिल की आपको क्या समझ में आ गई? जिल में काम करने वाले के पास चार नंबर की चाबी है। समझ में आ गई बात आपको? जिल में काम करने वाले के पास चार नंबर की चाबी है, तो जिल में तो काम करने वाले के पास चार नंबर की चाबी है, तो इसका मतलब क्या है? पीएफसी में काम करने वाले के पास चार नंबर की चाबी नहीं हो सकती। अब पीएफसी में काम करने वाले के पास चार नंबर की चाबी नहीं है तो क्यू के पास भी दो नंबर की चाबी नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होता है? लास्ट पॉसिबिलिटी बची और यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू में काम, क्यू जो पर्सन है उसके पास तीन नंबर की चाबी है और पीएफसी में जो काम कर रहा है उसके पास छह नंबर की चाबी है। इतनी बात तो जरूर समझ में आई होगी, बिल्कुल यहां तक की इजी थी और इजीली मैंने इसको इंटरप्रेट किया है, ठीक है। तो यहां से हमने दो तीन कंक्लूजन निकाल लिए हैं, ठीक है। फिर आगे कहा गया है यू वर्क्स इन सैमसंग, यू वर्क्स इन सैमसंग, जो यू है यहां आएगा, यू वर्क्स इन सैमसंग, यहां पर सीधी सीधी कह दी, सीधा सीधा कह दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद है आर हैज द प्राइम नंबर, अब जो आर है, आर के पास प्राइम नंबर की चाबी है, तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं बताइए मुझे, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं भाई? एक से बड़े नंबर होंगे जो वो प्राइम नंबर में आएंगे, तो कौन कौन से होंगे? दो, जिसके गुणनखंड ना, एक से बड़ी संख्या जिसके गुणनखंड ना हो उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। दो, दो का कोई गुणनखंड नहीं होता है, उसका कोई किसी छोटे नंबर का प्रोडक्ट नहीं होता है दो, ठीक है। और तीन, पांच और सात, तीन पांच सात, इस नंबर की चाबी हो सकती है आर के पास। इस सेंटेंस से तो ये पता लगा ना, आर हैज द प्राइम नंबर की, दो तीन पांच सात हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर लास्ट में ये कहा गया है आर डजंट हैव द टू नंबर की, आर के पास दो नंबर की चाबी नहीं होगी, मना कर दिया, और तीन नंबर की चाबी तो किसके पास थी? क्यू के पास थी, तो आर के पास पांच या सात नंबर की चाबी हो सकती है। आर या तो पांच होगा या सात होगा, अभी हमें नहीं पता, और कहां पर आएगा आर ये भी नहीं पता, तो इसको ऐसे ही लिखकर छोड़ देते हैं। पर्सन हु वर्क्स इन लिनोवो हैज द इवन नंबर की, लिनोवो में काम करने वाले के पास इवन नंबर की चाबी, एक से सात के बीच में इवन नंबर कौन कौन से हैं? दो, चार, छह, यही है। तो चार नंबर तो जिल में काम करने वाले के पास था और छह नंबर पीएफसी में काम करने वाले के पास था, तो लिनोवो का नंबर कितना बचा भाई? लिनोवो का नंबर बचा दो, लिनोवो के पास दो नंबर की चाबी है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पर्सन हु वर्क्स इन लिनोवो हैज द इवन नंबर की, ये तो हमने कर लिया है। एस डजंट हैव द इवन नंबर की, एस के पास इवन नंबर की नहीं है, तो एस के पास किस नंबर की चाबी होगी? ओड की होगी, एक, तीन, पांच, सात, यही हो सकते हैं। तीन तो क्यू के पास है, तो एस के पास एक, पांच, सात में से कोई एक नंबर आएगा, और यही आर में भी था, पांच सात, ठीक है। तो आर के पास पांच होगा तो एस के पास एक सात हो सकता है, आर के पास सात होगा तो एस के पास एक या पांच में से कोई एक नंबर हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
यू हैज मोर की देन क्यू, यू हैज मोर की देन क्यू। तो क्यू का नंबर कितना है? तीन। तो तीन से बड़ी संख्या हो सकती है यू के पास? चार, पांच, छ, सात। लेकिन चार तो यू, चार तो जिल में काम करने वाले के पास है और यू तो सैमसंग में काम करता है, नहीं हो सकता है। छह नंबर तो पीएफसी में काम करने वाले के पास है और यू तो सैमसंग में काम करता है। तो अब यू के पास पांच या सात नंबर में से ही कोई चाबी हो सकती है। यू किधर है? इधर है और ये सैमसंग में काम करता है। तो यू के पास पांच नंबर की चाबी हो सकती है या सात नंबर की चाबी हो सकती है। क्लियर हुई बात है? और एक पांच सात की ही एस के पास थी और आर के पास भी पांच सात की थी। तो अब यहां से एक और कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि तीनों में, तीनों में क्या है भाई, तीनों में पांच सात कॉमन है। तो तीनों के पांच सात को डिलीट मार दो और पांच सात को डिलीट मार दो तो एस के पास क्या बचेगा? एक नंबर बचेगा। एस के पास क्या बचेगा? एक नंबर बचेगा। ठीक है, एस के पास एक नंबर बचेगा। ठीक है, अब ये नहीं पता भी एस किधर आएगा, कैसे बचेगा भाई? आर पांच सात, अगर आर के पास पांच है, आर के पास पांच है तो आर के पास पांच है तो एस के पास एक या सात हो सकता है और यू के पास भी पांच या सात हो सकता है। तो यू के पास तो ऑटोमेटिकली सात बच जाएगा ना, क्योंकि पांच तो आर के पास चला गया और पांच और सात का बंटवारा हो गया तो एस के पास तो एक ही बचा ना। इस बात को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को रोक कर एक बार सोच के देखिए या वीडियो को थोड़ा सा पीछे से प्ले करके देखिए, आएगी बात समझ में। तो एस के पास एक नंबर होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे किधर था भाई? हाँ, यू हैज मोर की देन क्यू, ये भी बात ठीक है। वी वर्क्स नाइदर जिल नोर लिनोवो। वी जो वी है, ये जो वी है ये जिल में काम नहीं करेगा और लिनोवो में काम नहीं करेगा। ठीक है, पी हैज मोर की, पी मोर देन टी, पी मोर देन टी। ठीक है, अभी पी टी का हमें पता ही नहीं है। अब आगे कहा गया है नाइदर क्यू नोर आर वर्क्स इन सी आई एफ एल। नाइदर क्यू नोर आर, नाइदर क्यू नोर आर वर्क्स इन सी आई एफ एल। सी आई एफ एल में यहां पर क्यू आर नहीं आएंगे, क्यू और आर नहीं आएंगे। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है? पर्सन हु वर्क्स इन एच एस सी एल हैज मोर देन थ्री नंबर। ठीक है, जो एच एस सी एल में तीन से बड़े नंबर की, मोर देन एटलीस्ट थ्री पर्सन। ठीक है, तीन पर्सन से बड़ी होगी और तीन पर्सन से मतलब क्या है भाई कि एक दो तीन। ठीक है, इसी नंबर से बड़ा होगा तो यहां पर क्या क्या आ सकता है? चार पांच छ सात, चार पांच छ सात आ सकता है। ठीक है, अब यहां पर चार पांच या छह सात आ सकता है तो चार तो ऑलरेडी जा चुका है, छह भी ऑलरेडी जा चुका है। एच एस सी एल में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? यहां पर भी पांच या सात आ सकता है। अब ये पांच और सात किस किस के पास है? पांच या सात या तो यू के पास है, पांच या सात किसके पास है? या तो यू के पास है या आर के पास। देखिए भाई, इधर एस का तो हो गया ना, एस का तो पांच सात आएगा नहीं, एस के पास तो एक छोड़ दिया हमने। अब यहां पर यू है तो यहां पर क्या आ सकता है? यहां पर आर आ सकता है। यहां पर यू है तो यहां पर आर आ सकता है। ठीक, यू यू की तो पोजिशन वहां पर फिक्स है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? आर आएगा। लेकिन इनका अभी हमें नंबर नहीं पता, लेकिन इतना पता है एक के पास पांच है तो दूसरे के पास सात है, दूसरे के पास सात है तो एक के पास पांच है। ठीक है, तो अब एक बारी देखना, जो क्यू है, क्यू के पास कितना नंबर था? तीन नंबर था। और हमारे पास अभी प्लॉट करना कौन कौन सा नंबर बचा हुआ है? देखिए, दो आ गया है, चार आ गया है, पांच आ गया, छह आ गया, सात आ गया है। ठीक है, पांच सात की भी प्लेस कंफर्म नहीं, लेकिन इन्हीं दो पर आएगा। लेकिन दो प्लेस खाली है और उन दो प्लेस में से अगर एक जगह पर क्या आएगा? एक जगह पर एक आएगा, एक जगह पर तीन आएगा, क्योंकि यही तीन नंबर बचे हुए हैं। और तीन नंबर किसके पास है? क्यू के पास है। और ये कह दिया कि यहां पर जो संख्या है, यहां पर जो संख्या है, यहां पर क्यू नहीं आएगा और क्यू के पास तीन नंबर है। तो तीन किधर चला जाएगा? तीन इधर आ जाएगा और तीन इधर आएगा तो क्यू इधर आ जाएगा। और यहां पर क्या नंबर बचेगा? यहां पर एक नंबर बचेगा। एक नंबर बचेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? एस की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। एस की पोजीशन
फिक्स हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? नंबर हमारे पास सारे आ चुके हैं, लेकिन लास्ट वाले में अभी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है, नाइदर क्यू नोर आर वर्क्स इन सीआईएसएल, ये भी हो गया है। अब वी वर्क्स नाइदर जिल नोर लिनोवो, वी जो है लिनोवो और जिल में काम नहीं करता। अब दो जगह बची है, या तो वी यहां आ सकता है, तीन जगह बची, या तो वी यहां सकता है, या यहां आ सकता है, या यहां आ सकता है, लेकिन जिल और लिनोवो में तो वी काम नहीं करता है, तो वी कहां आएगा, सीधा सीधा ऊपर आ जाएगा। वी कहां आएगा भाई, सीधा सीधा ऊपर आ जाएगा। अब बचा कौन भाई, क्यू आर एस, क्यू आर एस टी रह गया, यू आ गया है, वी आ गया है, पी और टी बचे ना, पी और टी बचे, पी और टी बिठाने बचे हैं। अब जिल में पी आ गया, टी आएगा। अब हमें ये देखना है, पी के पास टी से ज्यादा नंबर की चाबी है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, जिल और लिनो में से बड़ा कौन है, तो जिल है, और जिल का मतलब क्या है, बड़े नंबर की चाबी, और बड़े नंबर की चाबी किसके पास है, पी के पास है, तो यहां पर पी आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। यहां पर पी आ गया, यहां पर टी आ गया। एक बारी अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमने सारे की सारी प्लॉटिंग कर ली है भाई, हमने सारे के सारे पर्सन बिठा लिए हैं, ऊपर V है, P है, Q है, S है, T है, U है, R है, और इधर नंबर क्या है, 6, 4, 3, 1, 2, 5 या 7, 5 या 7। अभी फिर कहेंगे सर 5 आएगा या यहां पर 7 आएगा, ठीक है, इसको अब कैसे कंफर्म करें भाई, एग्जामिनर ने ये जो क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बनाने वाले ने यहां पर कोई एक दो और स्टेटमेंट प्लॉट कर देता, डाल देता, तो उससे क्लियर हो जाता, उससे क्लियर हो जाता कि यहां पर 5 आएगा या 7 आएगा। अगर क्लियरिटी नहीं है तो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी लगाकर यहां पर छोड़ देंगे, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताइए भाई कहां पर डाउट है, इसके बाद अब हम 5 क्वेश्चन को करेंगे जो इसके अंदर दिए गए हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट, उनको इंटरप्रेट करना सीखिए और उनका मीनिंग निकालिए, जैसे मैंने यहां पर निकाला कि भाई अगर ये नहीं है तो इसके पास ये आ सकता है, अगर ये कहा गया है प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर ये है, इनमें से ये ऑलरेडी प्लॉट हो चुके हैं, ये बचे हुए हैं, ये इसलिए हो सकता है, ये इसलिए नहीं हो सकता, इस तरीके से इन चीजों को साथ के साथ लिखिए और उसको प्लॉट कीजिए। हो सकता है मुझे आपको समझाने में लगभग 20 मिनट लग गए हों, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसको 5 मिनट से कम समय में आप कर लेंगे, ठीक है, 5 मिनट से ज्यादा तो समय कहीं पर आपको देना ही नहीं है किसी भी सेट में, ठीक है। तो यहां पर 4 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, इससे ज्यादा मैं समय नहीं कहूंगा इसके लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ यू हैज फीवर की देन आर How many person have more key than you? You के पास R से कम है, अब देखते हैं यहां पर U के पास R से कम है, तो इसका मतलब क्या कह दिया पहले क्वेश्चन में, U के पास R से कम है तो 5 या 7 हो सकता है, तो U के पास 5 है, U के पास 5 कह दिया इन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में, U के पास 5 है तो how many persons have more keys than you? तो इससे U से ज्यादा कितने लोगों के पास ज्यादा की, भाई U के पास 5 है तो किसके पास 6 और 7 होगी, तो 2 लोगों के पास ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 2, सेकंड ऑप्शन, क्लियर हुआ, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ की ऑफ U एंड S, U और S, U की कितनी, S की कितने हैं, एक नंबर है, और U का हमें कंफर्म ही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, स्टेटमेंट के हिसाब से चलना है। कभी कहोगे सर क्वेश्चन 1 के अंदर तो 5 कह तो दिया, ठीक है, वहां पर तो इफ लगाया है कंडीशन, अगर ऐसा हो तो यू का भी हमें क्लियर नहीं है, तो क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे हम, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, सी एंड डी, ठीक है। यू और एस का सम कितना हो सकता है भाई, देखो 5 + 1 6 भी हो सकता है, 7 + 1 8 भी हो सकता है, अब 8 पर क्लिक करें या 6 पर क्लिक करें, नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। नन ऑफ दीज इसलिए नहीं कहेंगे, नन ऑफ दीज तब आता है कि हमें आंसर का तो पता है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया हो,
लेकिन अभी यहां पर आंसर क्या होगा, सी एन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशियंट है हमारे पास, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन हैव मोर कीज देन एस, एस के एस की एस का नंबर क्या था, एक था ना, तो एक से ज्यादा कितने हैं, छह हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, छह, ऑप्शन एक, ठीक है। हु वर्क्स इन पीएफसी, पीएफसी में सबसे ऊपर हमारा आया था, पीएफसी सबसे पहली कंपनी थी, तो उसमें कौन काम कर रहा था, एस काम कर रहा, सॉरी वी काम कर रहा था, ठीक है। तो यहां पर मैं दिखा भी देता हूं आपको, पीएफसी में वी काम करता है, ठीक है, पीएफसी में वी काम करता है, तो इसका वी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, हु वर्क्स इन लिनोवो, लिनोवो के अंदर कौन काम करता है, तो लिनोवो के अंदर बताइए भाई, लिनोवो के अंदर टी काम करता है, और टी की पोजीशन कितनी थी, दो नंबर की, ठीक है, तो लिनोवो में टी काम करता है, इसका थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और मैंने आपको काफी अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई भी डाउट आए, या कोई और भी क्वेश्चन हो जिसमें डाउट हो और आपको ये लगे कि वीडियो के माध्यम से ही आपको समझाना बेटर रहेगा, तो आप उसको भेज सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, उससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और आपको ये मेरा जो प्रयास है अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने जो भी बच्चे आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। तो कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।